मैंने तो बाबा जी से पूछा था एक बार कहीं पढ़ने के बाद, जब मैं अपने पूर्व आश्रम में था, कि बाबा जी हमने तो सुना था कि अंग्रेज कोई राजा आपसे मिलने आए थे, जॉर्ज पंचम की भी मैंने उनसे बात की थी। बाबा जी कुछ नहीं बोले, शांत रहे बाबा जी। और एक बार किसी और चर्चा के लिए बाबा जी के पास बात हो रही थी, शायद गौ रक्षा को लेकर, बाबा जी गौ रक्षा की बहुत बातें करते, तो बाबा जी ने कहा, तमाम लोगों के नाम गिनाए, ये आया था, ये आया था, ये आया था, कहीं का शेख भी आया था। इसी सिलसिले में उन्होंने कहा था कि जब हमारे देश पर दूसरे लोग राजा थे ना, तो राजा भी मिलने आए। लाओ लश्कर के साथ, अभी होता है ना, इंदिरा गांधी मेरा प्यारा भगत है, राजीव गांधी मेरा प्यारा भगत है, नेहरू भी मेरा प्यारा भगत था, ये सब मिलने आते थे, पहले भी आते थे, जब इस देश पर दूसरे राजा राज करते थे ना, तो वो भी लाओ लश्कर के साथ आए, वो भी मेरा प्यारा भगत हो गया था। ऐसे संकेत में बात करते थे बाबा जी। और जॉर्ज पंचम के बारे में तो कहते हैं कि जब दिल्ली राजधानी बनने जा रही थी, कोलकाता से जब हम दिल्ली आए, शायद 1911 की बात होगी, तो जब वो आया, उससे पहले यहाँ पे जो था उसने उन्हें बताया कि यहाँ योगियों का, ये तो हमारी पूरे यूरोप के देशों की बहुत जिज्ञासा रहती है भारत के योगियों को जानने की, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या किसी योगी से मिल सकता हूँ, तो उन्हें बताया था कि ऐसे ऐसे एक योगी है, मचान पे रहता है, आप चाहो तो मिल सकते हो। और शायद उसी सिलसिले में वो अपने लाओ लश्कर के साथ जब वो दिल्ली आया था, वो दिल्ली से लौटते समय जब वो जा रहा था कोलकाता, तब वो शायद बीच में बाबा जी से मिला था। ये 1911 के आसपास की बात है। जहाँ तक उम्र की बात है प्रभु जी, हमारे जो योगी हैं, बहुत योगी हैं, 120 वर्ष से 140 वर्ष तक की अवस्था वाले तो बहुत योगी हैं। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ लोगों की, आम लोगों की उम्र भी, साधारण लोगों की उम्र भी 120 वर्ष के आसपास रही है। 140 वर्ष तो बहुत सामान्य बात है योगियों के लिए। जंगलों में रहते हैं संत महात्मा, मैं कहते हजारों वर्षों से हैं, मुझे नहीं पता हजारों वर्ष से हैं कि नहीं, लेकिन ये है कि उनकी अवस्था यहाँ जो संसार में है, इनकी अवस्था से कहीं ज़्यादा रही है। योग बल से, योग शक्ति से वो उनको साध लेते थे चीज़ों को। और ये जो विधाएं हैं हमारे, अष्टांग योग हैं, महायोग हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, खेचरी है, ये सब चीज़ें हैं, क्रिया योग है, लेकिन ये प्रभु जी ऐसे नहीं होता है कि हम बैठे हैं कुंडली जागृत हो जाए, विशेष कृपा चाहिए। मैं एक तरसेन लामा से मिला था, जो मैक्लॉडगंज में, जिसको भावती ध्यान की थी, उसने बताया था कोई अदृश्य शक्ति ने उसको सहायता की उस स्थिति तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही हिमालय में एक साध्वी से मेरा मिलना हुआ, वो कहती हैं कि महावतार बाबा ने मुझे सहयोग किया मुझे इस स्थिति पर पहुंचने के लिए। मैं बहुत वर्षों से कोशिश करती थी, मुझे नहीं आता था, क्रिया योग का करता था, नहीं आता था, अचानक एक संत आया, उसने मुझे बताया ऐसे नहीं, ऐसे करो, और हुआ। मैंने आपको राम बाबा के बारे में बताया था कि हिमालय में एक राम बाबा हुए हैं भोजबासा में, जो लाल बाबा का आश्रम रहता था, वहीं पास में एक टेंट लगा के राम बाबा भी रहते थे, वहाँ भी लोग रुकते थे, वो क्रिया योग करते थे। उन्होंने मुझे खुद बताया, एक दिन वो बैठे हुए क्रिया योग की कुछ साधनाएँ कर रहे थे गंगा जी के किनारे, वहीं गौमुख के पास, अचानक एक साधु देखा आ रहा है किनारे किनारे, मैंने प्रणाम किया,
क्या कर रहे थे? देखो बाबा जी कुछ तो कर रहे थे, योग कर रहा था। क्या योग कर रहे थे? ऐसे ऐसे कर रहे थे, क्रिया योगी थे। बोले मैं क्रिया योग कर रहा था। किसने सिखाया? मेरे गुरु थे विष्णु देवानंद जी, उन्होंने कुछ कुछ बताया था। और महाअवतार बाबा जी हैं, वो क्रिया योगी थे, कुछ कुछ उनका सीखा मैंने। बैठ गए वो आके बोले तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक क्रिया नहीं है, क्रिया ठीक नहीं है करने की। और उन्होंने तीन योग उनको बताए जिसका वो अभ्यास करते थे। ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। हैरान रह गए वो, उन्हें लगा ये योगी है, योग बहुत जानता है, क्योंकि उसी प्रक्रिया में उन्होंने संशोधन किया था, ऐसे नहीं ऐसे करो। उन्हें स्मरण हुआ कि उनके गुरुजी ने भी उनको कुछ ऐसे ही ऐसे बताया था। शाम का समय था और वो चले गए और वो देखते रहे उनको। उन्हें लगा मैं इनसे कुछ और पूछ लूं, वो पीछे पीछे गए। थोड़ी देर में देखा वो चलते चलते वो चढ़ गए पहाड़ी, और जैसे पहाड़ी चढ़े उन्होंने एक बार मुड़ के देखा, अरे महावतार बाबा, साधारण योगी वहां जाते जाते उनका स्वरूप बदल गया, उसी स्वरूप में आ गए, वही उनकी काया, वही उनके बाल, वही उनका बाल स्वरूप ने मुड़ के देखा। कई दिनों तक राम बाबा को नींद नहीं आई, अपने आप को वो करते रहे कि मैंने पहचान नहीं पाया उनके। मैं गया था टेंट में, देखा मैंने छोटा सा पूजा बना था, वहां महावतार बाबा का चित्र भी रखा हुआ। ऐसे संतों ने, महावतार बाबा ने ऐसे अलग अलग उसमें लोगों को दर्शन दिए, उनको उनको सीख दी है। तो ये क्रिया योग की बात है, ये सब चीज़ें बिना उनकी कृपा से आप पारंगत नहीं हो सकते। आप उन क्रियाओं को करते हुए अपने शरीर को तो आप ठीक कर सकते हैं, शरीर की शुद्धता कर सकते हैं, शरीर को रोगों से, विकारों को दूर करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, अंदर तक जाने का मार्ग ढूंढ सकते हैं, लेकिन उस पर चलना, और वो तो बिना उस संत के सानिध्य में रह के नहीं हो सकता जिसने वो किया हो, जिसने उसको साध लिया हो, वही आपको बता सकता है। ऐसा है 72 या 73 से लेके 89 तक मुझे बाबा जी का कृपा प्रसाद मिलता है। आज जो कुछ भी है, प्रभु जी ज्ञान तो तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन अभी जो आनंद है, ये आनंद जो है, ये आनंद तो संतों की कृपा दृष्टि, उनका कृपा प्रसाद, उनका सानिध्य, वही वही उनका है ही है। अभी मैं आपसे जो बातें कर लेता हूँ, संवाद कर लेता हूँ, ये तो अभी हमारे बाबा जी की विशेष कृपा है, जो आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, जोड़ दिया कुछ समय के लिए बाबा जी। और इसी आनंद में रहें, आप लोग भी इसी आनंद में रहें, जो हैं जिस रूप में हैं, जो करें वो करें, किसी की गहराई में ना जाएं। गहराई में तो अपने आप आपको ले जाएंगे जब आप पात्रता तैयार कर लेंगे। ध्यान है करना है ध्यान करें, योग करना है योग करें, भक्ति करना है भक्ति करें, ज्ञान में रहना है पढ़ें, जानना है जाने, नहीं तो पुरुषार्थ करें, कर्म करें, उसी में आनंद लें, बस उस सत्ता को स्मरण में रहे, बस ये रहे मेरे साथ। सत्संग करने का, संवाद करने का, सब करने का एक है बस, कि कोई तो है, उस जो कोई है उसको अपने उसमें रखें, और जिस रूप में है वो करें, जिस गुरु की शरण में है उनके उसमें करें, गुरु ने जो मार्ग दिखाया है वही करें, राम के साथ जुड़े हैं उनके साथ जुड़ें, कृष्ण के साथ जुड़े हैं उनके साथ जुड़ें, नानक जी के साथ जुड़े हैं उनके साथ जुड़ें, महावीर के साथ जुड़े हैं उनके साथ जुड़ें, हनुमान जी के साथ जुड़े हैं उनके साथ जुड़ें, गीता और श्री रामायण जी से जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़ें, जिसके साथ भी जुड़े हैं जुड़े रहें, और उस मार्ग के जो भी सद्गुरु आपके जीवन में आए उनके साथ जुड़े हैं जुड़े रहें,
और नहीं जुड़े हैं तो कोई पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर बैठा है आदि गुरु, सबका गुरु, इस परम सत्ता परम पिता परमात्मा का, ब्रह्मांड नियंता का एक तार एक कण यहाँ है, उससे जुड़े। और जब पात्रता तैयार हो जाएगी, जब इस विशेष उद्देश्य से भेजा है उद्देश्य को पूरा करने का समय आएगा, कोई ना कोई साकार रूप में आ जाएगा आपके साथ। गुरु तो आपके घर आ जाएगा, बुला लेगा। पर नहीं है तो कुछ नहीं है, प्रभु की एक एक कृति का आनंद लो। मैं जैसे हिमालय में रहता हूँ, गंगा जी के किनारे बैठता हूँ, घंटों बैठता हूँ, आनंद लेता हूँ, बस कुछ नहीं करता हूँ। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है करने की, तो छोड़िए। मैंने तो देखा है लोगों को, साधकों को साधना करते देखा है, ध्यान करते देखा है, भक्ति करते देखा है, गुरु के प्रति समर्पण देखा है, गुरु के आश्रमों में सेवा करते हुए देखा है। मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो बस आनंद में रहता हूँ। बस मैं सोचता हूँ कभी तो नर्सरी में प्रवेश मिलेगा, कभी तो प्रभु कहेंगे कि हाँ अब आ जाओ, अब तुम प्रवेश की नर्सरी में प्रवेश लेने के लायक पात्रता हो गई है। इस जन्म में नहीं होगा, किसी और शरीर में होगा आके। इस शरीर के तब चला चली की बेरा है प्रभु जी, आनंद में रहना है, बस आनंद में रहना है। बाबा जी कहते हैं कि संतों का जो आशीष मिलता है उससे जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। बस अकाल योग अगर जीवन में होते हैं तो वो दाएं बाएं से निकल जाते हैं, क्योंकि वो जो बताते हैं ऐसा करो, वो करने से हमारी चेतना जागृत होती है, हमारे आउटर लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है, और जो तरंगें आती हैं नकारात्मक, वो उसे टकरा के आसपास से निकल जाती हैं, हमें बहुत उसका थोड़ा सा असर होता है। ऐसा होता है नियमित ध्यान करने से, साधना करने से, अपने आप को जानने से, गुरु के मार्ग पर चलने से, अपने इष्ट को अंदर धारण करने से। बाबा भजन पर बहुत जोर देते थे दिख रहा बाबा। वो कहते थे कुछ भी करो काम, कुछ भी रहो, कैसे भी रहो, 24 घंटे हृदय में वो चलता रहना चाहिए, रगड़ रहनी चाहिए। वो एक लाइन भी ऐसी बताते थे कि राम नाम की रगड़ हृदय पर रगड़ो रगड़ो रगड़ो, एक समय आएगा अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी ऊर्जा, अंदर के चक्षु खुल जाएंगे, ये नेत्र जो अंदर है ना तीसरा, वो खुल जाएगा। उनकी मुझे लाइन याद नहीं आ रही, वो अक्सर कहते थे राम नाम की लकड़ी और हृदय की लकड़ी पर रगड़ो रगड़ो, 24 घंटे रगड़ो, जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी काम करो, खेतों में करो, घर में करो, बाहर करो, क्या करो, सबसे एक ही बात करते थे। और जो लोग आते थे बैठते थे ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यही करते थे। ऐसा होता है प्रभु जी संतों के बारे में समझने की बात होती है कि हम किस तरह से उनको जानने और समझने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में फिर उतारने की।